दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू ससुराल में अपना पराया कुछ नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आपकी बेटी तो हमारे घर में राज करेगी। वो सही तो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है, पढ़ते समय कोई उसे किसी काम के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उसे पानी भी वहीं बैठे मिलेगा। और फिर हमारे बेटे आकाश और नीलम बेटी का तो फील्ड भी एक ही है, वो दोनों एक साथ नौकरी कर सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। वैसे भी आकाश एक कंपनी बना रहा है, उसमें नीलम बेटी को भी डायरेक्टर बना देंगे, ऐसे वह पूरी मालकिन रहेगी हमारे घर की। भीषम जी ने हंसते हुए नीलम के पिता ने कहा तो वह भाव विभोर हो गए। अब तक जितने भी लड़के देखे थे सबने कुछ ना कुछ शरद रखी थी, इसलिए भीषम जी की बातें सुनकर अपनी बेटी का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दिया और नीलम और आकाश का रिश्ता तय हो गया। नियत समय पर दोनों की शादी हो गई। शादी में नीलम के पापा ने बहुत दहेज भी दिया था, आखिर खूब पढ़ा लिखा लड़का था। 4 दिन बाद जब आकाश और नीलम का हनीमून का प्रोग्राम बना तो जेठ जेठानी और उनकी बेटी भी तैयार हो गई। नीलम ने आकाश की तरफ देखा तो आकाश के कुछ बोलने से पहले ही भीषम जी बोले, बेटा तुम दोनों अकेले वहाँ जान शहर में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे जेठ जेठानी साथ जा रहे हैं। नीलम क्या बोलती, हनीमून के सपनों पर तो पानी ही फिर गया। हनीमून से वापस आकर नीलम घर गृहस्थी में रहने लगी। अब नीलम के कपड़ों की बारी आई, उसे जेठानी के साथ अपने कपड़े शेयर करने के लिए कहा गया। ससुराल में अपना पराया कुछ नहीं होता, कपड़े शेयर करने से दोनों के पास ज़्यादा कपड़े दिखेंगे। यहाँ भी नीलम महसूस कर रह गए, जेठानी के कपड़े तो उसको कभी पसंद ही नहीं आए, क्योंकि उनका रग रखाव इतना गंदा था कि देखना का भी मन ना करे। हाँ, अपने कपड़ों की बलि जरूर सड़ गई। कुछ दिन बीतने के बाद नीलम ने आकाश से अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए पेपर देने की बात की। आकाश तो यही चाहता था, लेकिन जब भीषम जी को ये बात पता लगी तो वह ना नुकुर करने लगे। आकाश के कहने से वह मान तो गए। तो जेठानी बोली, मैं अपने हिस्से से ज़्यादा का काम नहीं करूँगी। उस दिन नीलम से शुभ नहीं रह गया। वह बोली, पापा जी शादी से पहले तो आपने कहा था कि तुम पढ़ाई करोगी तो तुम्हें पानी के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा, अब ये तो सारे काम की बात हो रही है बेटा। वह सब तो कहने की बातें थी, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम दोनों के बीच की बात है। मेरी तरफ से तैयार कोई परेशानी नहीं है। इस बार भी नीलम ने घर के काम संभालते हुए अपने पेपरों की तैयारी की। अब नीलम और आकाश ने अपना ऑफिस खोल लिया। जब भी नीलम ऑफिस के लिए निकलती तो जेठ जेठानी और ससुर का मुंह बन जाता, लेकिन नीलम नहीं रोकी। ये एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक दिन नीलम के जेठ भीषम जी से बोले, नीलम का वहाँ भी जाना बंद कराओ, वरना ये आकाश को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, इसको थोड़ा बांध कर रखो, बहुत उड़ रही हैं। उसी दिन भी भीषम जी ने नीलम को बुलाया और बोले, बहू तुम तो रोज ऑफिस चली जाती हो, ऑफिस ही सारे काम अकेले निशा को करने पड़ते, अब बहुत हुआ, ऑफिस जाना बंद करो, घर के कामों पर ध्यान दो। आकाश के साथ किसी क्लाइंट के पास आने जाने का काम तुम्हारे जेठ विपिन संभाल लेंगे।
बस पापा जी, बहुत हुआ। शादी से पहले तो आप लोगों ने मेरे पापा से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन समझ गई हूँ कि ये सब तो कहने की बातें हैं, क्योंकि आपको दिख रहा था कि यहाँ से मोटा दहेज मिल रहा है। शादी के बाद से आपने तो जैसे मेरे पैरों में मीठी मीठी बातों की बेड़ियाँ ही पहना दी। पहले तो अकेले में होने वाली परेशानी का हवाला देकर हनीमून के सपनों पर पानी फेर दिया, फिर कभी अपना पराया न करने का हवाला दे दिया। पढ़ाई करने बैठी तो घर के सारे काम और जिम्मेदारियों की बेड़ियां पहना दी। अब ऑफिस जाना शुरू किया तो आपने कह दिया कि मेरी जगह जेठ जी चले जाएंगे। क्या जेठ जी को इस काम की नॉलेज है? या आप लोगों को ये डर है कि नीलम आकाश के साथ रहेगी तो कहीं वह उसे ले कर अलग ना हो जाए? आप तो मेरे पैरों में बेड़िया डालकर घर में बैठाना चाहते हो। आपने कहा था कि आकाश और मैं अपना ऑफिस खोल सकते हैं, जब काम मुझे और आकाश को करना है तो उसमें जेठ जी क्या करेंगे? आपको डर है कि ये दोनों अपनी खिचड़ी अलग ना पका ले? कंपनी में डायरेक्टर तो आप मुझे भूल कर भी नहीं बनने दोगे, क्योंकि फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जेठ जी भी इसलिए आकाश के साथ रहना चाहते हैं कि वह देख सके कितनी कमाई हो रही है। आप लोग मेरी हर बात पर नज़र रखना चाहते हो। अब मुझे समझ आ गया कि ये सब वादे तो सिर्फ कहने के हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं। जब आप लोग बहू के पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं, वही बहू जो शादी के बाद से ही आपके घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करती हैं, आप सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं, उस बहू के लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। उसके लिए तो आपके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आप अपने ही किए वादों का मान नहीं रख सकते तो आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? फिर आकाश मेरा फेवर लेंगे तो आप कह देंगे कि मैंने आकाश को अपने वंश में कर लिया है। आकाश भी वहीं खड़ा था, वह बोला, पापा नीलम सही कह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके द्वारा पहनाई गई बेड़ियों को तोड़कर कुछ कदम उठाई। उससे अच्छा है इन बेड़ियों को आप खुद ही खोल दो, वरना वह अपनी अधूरी खवाई से पूरी करने के लिए ये बेड़िया खुद ही तोड़ देगी। इतना कहकर आकाश और नीलम वहां से चले गए। पीछे रह गए भीषम जी और उनका बड़ा बेटा बहू, जो अभी भी उन्हें नीलम के खिलाफ भड़का रहे देगी। उसने आकाश को अपनी मुट्ठी में कर लिया है।